वरुण नहीं, वरुण बेवरेजेस पे हाँ 250 शेयर्स हैं इनके पास 560 पर, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 465 शेयर है 255 पे। क्या राय बनती है? तो देखिए, अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 580 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है, और आपके जो टारगेट रहेंगे वो करीब करीब 790 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। दूसरा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की आपने बात की, राइट? नहीं, मैं इसके चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ तो कोड ओके, चेंज है। चलिए छोड़ देते हैं इसको। सौरभ का सवाल लेते हैं। सौरभ ने 100 शेयर तेजस नेटवर्क के लिए रखे हैं 1350 पे, और 100 शेयर हैं एंजल वन के 2700 के प्राइस पे। क्या राय बनती दोनों पे? तो देखिए, तेजस नेटवर्क की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हो रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि वीकली चार्ट अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 1190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो पोजीशन से आपको निकलना पड़ेगा, उसके बाद करेक्शन डीप हो सकता है। तो यहाँ थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, या तो कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, बट फिलहाल के लिए 1190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। एंजल वन का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले एक बॉटम बना था 2300 रुपए के आसपास, वहीं आपको स्टॉप लॉस लगा के एंजल वन को होल्ड करना है। मेरे ख्याल से इस बार 2800 को ब्रेक करके 3250 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। और बीएससी कैसा लगता है आपको? सॉरी, बीएससी का स्टॉक तो देखिए, बीएससी की जहां तक बात है, बीएससी में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है। ऑलरेडी हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश खरीदारी की अपॉर्चुनिटी तो कम लग रही है, लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजिशन बना रखी है तो 3590 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक आपको 4000 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं बीएससी में। 3790 का स्टॉप लॉस होल्ड करिएगा, और 4000 तक के लक्ष्य उसमें देखने को मिल सकते हैं। अभिषेक अग्रवाल ने सवाल भेजा है दो। एक है अशोक लीलैंड, 100 शेयर्स हैं 246 के भाव पर, शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग का व्यू चाहिए उनको। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के 50 शेयर्स हैं 1762 के, इसमें भी शॉर्ट टर्म का नज़रिया, स्टॉप लॉस और टारगेट। देखिए, अशोक लेलैंड में मेरे ख्याल से आपने जो शॉर्ट टर्म में पोजीशन बना रखी है लॉन्ग साइड पे, उस पर निकलने की कोशिश करनी है। ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, करेक्शन थोड़ा सा डीप और हो सकता है, तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है। कोई भी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। केपीआईटी में एक 1690 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 1690 के स्टॉप लॉस से आप केपीआईटी में बने रह सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर केवल 1800 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 1800 रुपए के ऊपर निकला तो 1925 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, केपीआईटी ये एक टेक्नोलॉजी शेयर है जो थोड़ा इस समय ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देवर्षी शुक्ला का सवाल है, अनंत राज में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करना चाहते हैं, क्या लेवल्स पे बाइंग करना चाहिए? अनंत राज में लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, थोड़ा सा देर हो गई है क्योंकि ये करीब 100 रुपए से नॉन स्टॉप चल रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, तो फ्रेश खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 610 के नीचे, पर फ्रेश खरीदारी की राय करेंट लेवल्स पे नहीं रहेगी क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रिवॉर्ड के फेवर में नहीं है। और प्रमोद ने सवाल पूछा है कर्नाटक से, उन्होंने सवाल लिखा है कोलार से, डिवीज लैब के शेयर ले रखे उन्होंने 40, और 4704 रुपये के भाव पर हैं, और ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं इन्होंने 5200 पे। माई स्टॉप लॉस 2500, ये भी कितना चल रहा है, 5443, 5200 पे इन्होंने खुद से एक स्टॉप लॉस बनाया। क्या लग रहा है इसमें, इनको फ़ायदा तो हो रहा है अभी? बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक आपको यहाँ पर, अगर आपके पास 1 साल का समय हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको 7000 तक के स्तर भी डिवीज लैब में देखने को मिल जाए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी भी करनी है, लेकिन जो 5200 का स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी रैली हो चुकी है, करेक्ट होगा तो 5200 हिट हो सकता है। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए 4990 का स्टॉप लॉस लगाना सही है, और आपको टारगेट भी आप बड़े आप फिर से करिए करीब करीब 7000 के। तो 4990 आपने बोला कट स्टॉप लॉस लगाए, और 7000 रुपये का टारगेट रखे लॉन्ग टर्म के लिए। 5200 थोड़ा रिस्की है भाई, ये ट्रिगर हो सकता है। अच्छा, विमल कांत भाटिया का सवाल लेते हैं, दिल्ली से है। इन्होंने 3000 शेयर खरीदे हैं पंजाब नेशनल बैंक के 124 रुपये पर, और 500 शेयर खरीदे हैं केनरा बैंक के, ये भी 124 पर, और 1000 शेयर खरीदे हैं IDFC फर्स्ट बैंक के, ये 84 रुपये पे। तो केनरा PNB में बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, PSU में स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। कैनरा बैंक में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 99 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर
99 के नीचे फिसला तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, लेकिन पीएनबी में मेरी राय रहेगी कि यहाँ पर निकल जाए बेहतर रहेगा। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, आप फिर से 116 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी कर सकते हैं, बट अभी के लिए सेक्टर वीक लगता है, इसलिए पीएनबी में निकल जाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन कैनरा बैंक में 99 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा शहजाद खान की सवाल, आईटी पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं। टीसीएस, इन्होंने कहा कि मैंने 2022 में ये मार्केट में आया, फिर इन्होंने टीसीएस में ख़रीदारी की, 163 शेयर है इनके पास 3674 के प्राइस के, और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं 5-10 साल, कोई टाइम का कोई इश्यू नहीं है। क्या होना चाहिए इसमें, मूवमेंट किस तरीके से रखना चाहिए? अभी तो अच्छा खासा इनके प्राइस से काफ़ी ऊपर है टीसीएस, क्या राय बनती है आपकी? बिल्कुल, तो देखिए मैंने यही बोला कि टीसीएस में गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक सपोर्ट ब्रीच हुआ है तो गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अगर ये 4300 के आसपास आए तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन लगते हैं। जो जो 200 मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, गिरावट पे खरीदारी करनी है, टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं। मेरे ख्याल से अगर आपके पास 1 साल का समय होगा तो 5100 तक के टारगेट टीसीएस दिखा सकता है। और आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जिसमें 5700 तक के टारगेट टीसीएस के लिए दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल है सृजन राज का, और ये आईटीसी के बारे में जानना चाहते हैं। 433 के प्राइस पे इन्होंने शेयर ले रखे हैं, क्या राय बनती है इसमें, क्या करना चाहिए? देखिए आईटीसी में कंसोलिडेशन दिख रहा है और मैं भी काफी पॉजिटिव हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आईटीसी में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो 600 के आपको टारगेट सेट करने हैं, पोजीशन में बने रहना है, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए, और 464 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी बेचने की जरूरत नहीं इनको। और ये ओला खरीदना चाहते हैं, ओला का चार्ट देख पाएंगे क्या? बहुत छोटा होगा लगी अभी तो ओला। ओके, तो देखिए ओला में बहुत कम हिस्ट्री है तो उस पर थोड़ा व्यू देना मुश्किल है, बट ट्रेडिंग अगर किसी ने किया हुआ है, 1 से 2 दिनों का व्यू है, तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, 124 के ऊपर निकलेगा तो 144 तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। कल की लिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 25400 की कॉल 100 रुपए पे ले रखी है वरुण ने। तो मेरे ख्याल से अगर 25400 की कॉल 100 रुपए पे ली हुई है निफ्टी की, तो वहां पर आप बिल्कुल बने रह सकते हैं कल की एक्सपायरी के हिसाब से। मैं आपको कैश एवरेज बता देता हूँ, तो कल के लिए, केवल कल के लिए, प्योरली कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 25350 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला तो आपको कम से कम 25750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे, तो स्टॉप लॉस और टारगेट ध्यान रखें। ओके, करुणेश दीक्षित बंगलुरु से बिरला सॉफ्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 231 शेयर हैं इनके पास 667 के भाव पर आज। आईटी में बहुत लोगों की दिलचस्पी, क्या करना चाहिए आईटी बिरला सॉफ्ट में? ये बहुत इंकरेजिंग चार्ट्स नहीं है क्योंकि ये हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको मिड कैप में ही जाना है तो परसिस्टेंट और एम्फेसिस, ये दो ज्यादा बेहतर स्टॉक लगते हैं चार्ट्स पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, बट बिरला सॉफ्ट में वेट करना बेहतर रहेगा। अगर खरीदारी करनी है तो 700 रुपए के ऊपर करें, और अगर आपने लॉन्ग पोजिशन ऑलरेडी बना ली है तो आपको स्टॉप लॉस केवल 550 का ही लगाना पड़ेगा। मानस पी